हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, हमस एंड इसराइल। तो हमस एंड इसराइल के ऊपर आर्टिकल पढ़ने से पहले हमारे लिए एक चीज़ सबसे एक प्री प्री एक्विजिट है कि हमें इसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये हम इंडिया है। इंडिया से हम ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल, या पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, इसराइल। एक और रूट है इंडिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल। ठीक है, आप सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट इसराइल जा सकते हैं। जा सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए गल्फ ऑफ अकाबा भी होता है। अभी जूम करके आपको बताऊंगा, मैं बस एक मैप बता रहा हूँ कहाँ पर है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको जूम आउट करें, ये आपका पूरा एशिया है और ये चीज़ यहाँ तक एशिया है आपका। देखिए, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तुर्की है और रशिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ये एशिया है, तो ये सारे वेस्ट एशिया, ये एशिया का वेस्ट पार्ट है, तो ये वेस्ट एशिया में आता है। अब चलिए लोकेशन को जूम आउट जूम इन करके देखते हैं। ये हमारा इसराइल है, ठीक है, हम इसराइल को देख रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप देखिए नीचे में क्या है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, यूएई, सऊदी अरेबिया। ये हमारा इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। अब बस इसराइल को देखते हैं हमें, क्योंकि अभी तो हमें इससे मतलब है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे लिए इसराइल है। देखिए, गाज़ा स्ट्रिप, ये हो गया आपका वेस्ट बैंक, यहाँ पे जेरूसलेम है, यहाँ पे तेल अवीव है, ये पोर्ट सिटी है आपका तेल अवीव, ये जेरूसलेम है, और यहीं पे एक इनका और बड़ा एक सिटी है, राम अल्लाह। राम अल्लाह, अरे नाम देखो भाई, एक जैसे तो हो, पता नहीं लड़ाई झगड़ा क्यों है। और ये आपका हो जाता है प्रॉपर इसराइल। और यहाँ पे देखिए, ये हाइफा पोर्ट है हमारे अडानी जी का। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए, ये जेरूसलेम हो गया आपका, यहाँ से लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले ये लोकेशन देख लिया हमने। इसके अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो जॉर्डन, इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो आपका सीरिया, नॉर्थ में देखें लेबनन, साउथ में देखें आपका ये सिनाई पेनिनसुला है। ठीक है, और ये किसके पास है, इजिप्ट के पास, ये इजिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया आपका सऊदी अरेबिया, और यहाँ ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये इसका लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के बाद आपका इराक आ गया। देखिए, जस्ट अ सेकेंड, सीरिया के बाद आपका इराक आ गया, इराक के बाद आप ईरान में आ गए, ईरान के बाद आप पाकिस्तान में आ गए, फिर आप इंडिया में आ गए। तो बस ये था, हमें लोकेशन समझना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए, द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इसराइल एंड द गाजा स्ट्रिप। यहीं पे गाजा स्ट्रिप मैंने आपको बता दिया है, इसराइल बता दिया, मतलब जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पार्ट, यहाँ गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही है। बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप हमास बिगेन एग्जैक्टली 14 मंथ आफ्टर द ट्रूस दैट एंडेड इन अ ब्रीफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इसराइल एंड द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और अगस्त 7, 2022। तो 14 महीने बाद फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है। द ऑनगोइंग बैटल इज सीन एज अनप्रेसिडेंटेड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इसराइल इन मई 1948, बिकॉज द वे हमस वॉज एबल टू ब्रीच सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस बॉर्डर फेंसिंग मैकेनिज्म एंड इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस कैपेबिलिटीज सेवरल डेज आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। टू क्वेश्चन रिमेन की द टाइमिंग ऑफ द अटैक बाय हमास एंड इट्स एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड द सीमिंग फेलियर ऑफ द इसराइल फेम्ड इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। देखिए, ये वर्ल्ड्स का मोस्ट एडवांस इनका बॉर्डर फेंसिंग मैकेनिज्म है, हमास ने उसको फेल किया और यहाँ पे अटैक किया। तो ये एक क्वेश्चन तो होता है, देखते हैं क्या है। बट फर्स्ट, हु आर हमास? तो उससे पहले हमें जानना चाहिए हमास कौन है। हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1987 एज अ पोलिटिकल आर्म ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड आफ्टर द फर्स्ट इंटीफड़ा। इंटीफड़ा मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर आर्टिकल है मेरा। इंटीफड़ा का मतलब ही क्या होता है, अ पैलेस्टीनियन अपराइजिंग
अभी जो वॉर चल रहा है इसको थर्ड इंटिफाड़ा बोला जा रहा है, अ पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा, ठीक है, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम। तो ये जो जगह है यहाँ पर, इसका एक मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिटिकल पार्टी टाइप है ये हमास। अ ग्रुप हैज़ मेजर इन्फ्लुएंस इनसाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, पर्टिकुलरली इन गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इट्स आर्म विंग इजाल अल दिनाल कसम ब्रिगेड्स हैज कैरिड आउट सेवरल रॉकेट्स अटैक अगेंस्ट इजराइल। इट्स एक्शंस इंक्लूडिंग सुसाइड बॉम्बिंग्स बिगेन इन द अर्ली 1990s व्हेन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज वर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड। जब मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं थे तो इंसान अपने अंदर बॉम्ब बांध के चला जाता था इसराइल में, फोड़ देता था। फॉलोइंग इसराइल्स विड्रॉवल फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप इन 2005 एंड पर्टिकुलरली आफ्टर हमास टुक ओवर द स्ट्रिप बाय डिफेंडिंग फतह इट्स पॉलिटिकल राइवल इन 2006 इलेक्शंस, देर वर फ्रिक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ वायलेंस विच रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड। हमास ऑल्सो डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन डिगिंग सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टनल्स विच हैव बिकम इम्पॉर्टेंट कंड्यूट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। तो देखिए, अगर यहाँ पे पुलिस तेज है तो चोर भी तेज है, सिंपल सी बात वही है। अगर इन्होंने एडवांस सिस्टम बनाया तो उन्होंने भी तरीका खोजा एडवांस सिस्टम को तोड़ने का। वॉट इज हमास पोजिशन ऑन इसराइल, हमास का क्या पोजिशन है इसराइल के ऊपर। सिंस इट्स इंसेप्शन हमास हैज कंसिडर्ड इसराइल इट्स स्वॉन एनिमी, तो भाई कसम खा लिए कि ये हमारा दुश्मन है, और वाइस वर्सा। वन ऑफ इट्स मेन गोल इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। इट्स कन्वेनेंट सेज इसराइल विल एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इस्लाम विल ऑब्लिरेट इट जस्ट एज इट्स ऑब्लिरेट अदर्स बिफोर इट। तो यहाँ पे आप देखिए, पता नहीं क्या रिलीजियस वॉर का एंगल ला रहे, मेरे को तो बड़ा बेवकूफ़ी लगता है। हमास स्ट्रांगली कंडेम्ड द इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी सिंस 1979 फॉलोइंग द कैम्प डेविड अकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड कंटिन्यू टू डिसअप्रूव ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन बिटवीन इसराइल एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। अदर कंट्रीज कौन, आपके इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को, सूडान विच वर द पार्टीज टू द यूएस मीडिएटेड अब्राहम अकॉर्ड साइंड इन लेट 2020 इन वॉट कुड बी कंसिडर्ड एज डिफाइंग इट्स ओन चार्टर। हमास इन 2017 केम अप विथ न्यू डॉक्यूमेंट स्टेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट बेस्ड ऑन 1976 बॉर्डर, बट इट डिड नॉट लेड टू पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू विद द इजराइलीज। हमास स्टिल रिफ्यूजेस टू रिकोगनाइज इजराइल एज इज अनलाइकली टू चेंज इट्स पोजिशन इन द फोर्सिनिएबल फ्यूचर। तो हमास का देखिए क्या पोजिशन है, इसराइल नहीं होना चाहिए, सिंपल। हम इसराइल को भी ले लेंगे, वहाँ पे उसको इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जैसे पहले हमने किया है बाकी सारों के साथ। इसराइल के साथ पीस ट्रीटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंट्री पीस ट्रीटी ना करे, मतलब एक तरीके से वो इसराइल को हेट करते और उसको मैप से हटाना चाहते। पर अभी जैसा इसराइल रिटेलिएट कर रहा है, इसराइल लग रहा है गाजा स्ट्रिप को हटा देगा मैप से। इस हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन अक्टूबर 1997 द यूएस डेजिग्नेटेड हजाम एज अ फॉरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। द यूरोपियन यूनियन टू हैज इंक्लूडेड हमास इन इट्स लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इन द लाइट ऑफ द हमास असॉल्ट ऑन इजराइल टारगेटिंग सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन कॉल द इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फॉर अ वाइड डेजिग्नेशन ऑफ हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल गेन फर्दर ट्रैक्शन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो साफ सब लोग उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं। सब लोग में कौन है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है और इसराइल खुद है और उनके अलाइज है। बट द पैलेस्टीनियंस हैव सिमिलर एक्यूजेशंस, दे कंसिडर इसराइल मिलिट्री ऑपरेशंस नाउ एंड अर्लियर विच लेड टू लॉस ऑफ सिविलियंस लाइव्स एज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड वॉर क्राइम्स एंड इट्स पॉलिसी ऑफ इंकरेजिंग द अबेटिंग ज्यूविश सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक फ्रेगलेंट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और पैलेस्टीनियन जो है वो इसराइल को बोलते हैं कि वो यहाँ पे आके हमें रहने नहीं दे रहे, इसको ज्यूस सेटलमेंट बना रहे हैं, तो वो टेररिस्ट है। तो एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं। दिस रेसिप्रोकल एक्यूजेशंस विल इंटेंसिफाई एज रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ बोथ द वॉर बोथ द वॉरिंग पार्टीज इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो बढ़ते ही रहेगा जो करंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। वॉट कुड हैव ट्रिगर्ड हमास टू लॉन्च इट्स इन्वेशन ऑन अक्टूबर 7, ये जो अभी रिसेंटली हुआ है। द आंसर लाइज इन अ मिक्स ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन।
देखते हैं क्या है। फर्स्ट, देर हैज बीन नो मूवमेंट ऑन द टेल्ड इसराइल पैलेस्टीन पीस टॉक फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, बेरिंग द फेल्ड ट्रंप पीस प्लान बिल्ड एज अ डील ऑफ द सेंचुरी ऑफ जनवरी 2020। नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। साफ बात, अभी ऐसा कोई अभी तक इसके ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग इशू के ऊपर कोई रिजॉल्व करना चाह ही नहीं रहा है। ऑल्सो एज मॉडरेट अरब कंट्रीज इंक्रीजिंगली मूव टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल, द पैलेस्टीनियन हैव गॉट द इम्प्रेशन दैट द हिस्टोरिकल अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ मोर ऑन इसराइल पैलेस्टीनियन इशू। दिस हैज़ फ्रस्ट्रेटेड द वाइडर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन एंड हमास हैज़ सॉट टू ब्रिंग द इग्नोर पैलेस्टीनियन कॉज बैक इन द स्पॉटलाइट। तो देखिए, बाकी सारे अरब नेशन जो है इसराइल के साथ टाइज अपना नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे जितने भी अरब नेशंस हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारे अरब नेशंस हैं, ये इसराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो उसमें हमास को डर लग रहा है हम पीछे तो ना छूट जाए, ये अरब वर्सेस इसराइल है, कहीं वो बस इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन ना रह जाए। तो उनका मेन इशू ये है। दे फुल्ली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इसराइल मिलिट्री कैंपेन विल ब्रिंग एंड दे विल प्रूव दैट द सिक्योरिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट लेट अलोन दैट ऑफ इसराइल कैन नॉट बी गारंटीड विदाउट सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू। तो वहाँ पे ये साफ, ये इसराइल को एक मतलब पहले तो उन्होंने पोक कर दिया, उसके बाद रिटेलिएशन में शो करेंगे कि इसराइल खराब है। ठीक है, अब सेकेंड इशू देखो यहाँ पर क्या है। इसराइलीज गवर्नमेंट फॉर्म इन डिसम्बर 2022 इज कंसिडर्ड द मोस्ट हार्ड लाइन इन इट्स हिस्ट्री। इट हैज टॉक्ट ऑफ अलाउइंग द एक्सपेंशन ऑफ ज्यूइश सेटलमेंट ऑन पैलेस्टीनियन लैंड एंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एनेक्सिंग पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। दिस वॉज द पार्ट ऑफ नेतन्याहूज डील विद द ज्यूइश अल्ट्रा नेशनलिस्ट हु हेल्प हिम फॉर्म द रूलिंग कोएलिशन। तो उनका गवर्नमेंट, उनकी जो है, उनका यही काम है राइट विंग गवर्नमेंट का कि भाई ये सेटलमेंट पैलेस्टीनियन का हम लेंगे, ज्यूइश सेटलमेंट बनाएंगे। तो अपने रिलीजन को प्रमोट करने का उनका पॉलिसी है अभी। अर्लियर दिस ईयर इजराइल्स मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी इतमार बेन गिवर विजिटेड द अल अस्का मॉस्क कॉम्प्लेक्स इन जेरूसलेम। अल अस्का जो मॉस्क है आपका, वो जेरूसलेम में है और इस्लाम का ये थर्ड होलीएस्ट प्लेस है, थर्ड होलीएस्ट प्लेस है। एंड डिक्लेयर द इजराइल वॉज इन चार्ज ऑफ द डिस्प्यूटेड साइट दैट इज स्केर्ड टू बोथ मुस्लिम्स एंड ज्यूज। तो ये सबके लिए सेक्रेड, स्केर्ड नहीं, सेक्रेड है, सेक्रेड मतलब प्योर, ये सेक्रेड है। सिमिलर विजिट बाय एरियल शरोन देन अपोजिशन लीडर टू अ साइट इज कंसिडर्ड टू हैव ट्रिगर्ड द सेकेंड इंफिटाडा और द अल अस्का इंटिफाडा। ठीक है, सितंबर इतने से फरवरी इतने तक ये अल अस्का इंटिफाडा हुआ है। हमास कंडेम द करंट मिलिट्री असॉल्ट अल अस्का फ्लड सजेस्टिंग दैट इट वॉज रिट्रीब्यूशन टू दी डेस्क्रिएशन ऑफ द होली साइट। इट वॉज ऑल्सो सरप्राइज अटैक लाइक वन स्टार्टेड द योम किपुर और रमदान वॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स प्रीवियसली ऑन अक्टूबर 6, 1973 वन कंबाइंड अरब फोर्सेज लेड बाई इजिप्ट एंड सीरिया लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन इन द सिनाई पेनिनसुला एंड द गोलन हाइट्स सिम्बोलिकल। तो ये उस समय योम किपुर के ऊपर मैंने आर्टिकल बनाया है, आप सर्च करिए इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट ये वॉर था। क्या था, क्यों था, कैसे इसराइल के ऊपर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हुआ था। सिनाई पेनिनसुला इसराइल के पास था, वो फिर उसने, इसराइल ने इजिप्ट को दिया था यहाँ पे पीस टॉक में जो यूएस ने करवाया था। अब थर्ड, सिम्बोलिकली हमास वांटेड टू कन्वे द इसराइलीज एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटीज दैट जेरूसलेम इज अनडिवाइडेबल। तो इनका बस ये हमास को दिखाना था जेरूसलेम को अभी कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखिए थर्ड क्या है। थर्ड, देर इज अ ग्रोइंग परसेप्शन इन द पैलेस्टीनियन सोसाइटी दैट इसराइल्स डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस आर ऑन राइज इन द वाइडर मिडल ईस्टर्न रीजन आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिग्नल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इसराइल एंड सऊदी अरेबिया साइनिंग अ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट ऑल्सो बैक्ड बाय द यूएस। अब देखिए इसराइल, ये रहा आपका यहाँ पे इसराइल, और इसराइल और सऊदी अरेबिया इन दोनों के बीच में अब देखिए पीस ट्रीटी हो रही थी। ठीक है, इसराइल सऊदी अरेबिया के बीच में पीस ट्रीटी हो रही थी जिसको बैक कर रहा था यूएस। तो उससे वही पैलेस्टीनियन को फोमो हो गया, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई हम तो नहीं छूट रहे, तो सोचा हम नहीं छूट रहे तो चलो लड़ाई कर लेते हैं, हम नहीं छूटेंगे। स्ट्राइकिंग इसराइल एट इट्स जंक्चर
and provoking the inevitable heavy retaliation, which would likely draw regional and international condemnation. तो मतलब वो वही चीज है, पोक करो वो रिटेलिएट करे स्ट्रांगली तो फिर सब लोग उसको गलत बोले, भाई ये तो गलत कर रहा है. कुड बी पार्ट ऑफ हमास प्लान टू डिरेल द प्रोबेबल इजराइल सऊदी एग्रीमेंट, ताकि वो एग्रीमेंट टूट जाए. द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी केप्ट असाइड फॉर नाउ इवन इफ इट्स रिवाइवल इन फ्यूचर कैन नॉट बी रूल्ड आउट. ठीक है, अब वो जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा. डू द अटैक शो फेलियर ऑफ इजराइल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, क्या इसराइल का यहाँ पे फेलियर है. द लॉन्च ऑफ सच वेल ऑर्केस्टेड स्ट्राइक वेन इसराइल आईज आर सपोजली नेवर फार अवे इज कंसिडर्ड ब्लो टू रेप्यूटेशन ऑफ इसराइल इंटेलिजेंस अपेरेटस. तो ये तो है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर डेंट तो लग ही गया. इंक्लूडिंग इट्स साइबर कैपेबिलिटीज विच आर एडमायर्ड बाई कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसको ऑल अराउंड वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है. Either the Israelis ignored or underestimated red flag or warm warnings, or Hamas has become experienced in evading Israelis technical surveillance. दोनों में से एक चीज है, या तो इसराइल ने इग्नोर किया छोटे छोटे चीजों को, या तो हमास ने आपका सीख लिया है कि कैसे उन लोगों को बेवकूफ बनाना है. The militant have also shown the ability to operate in the air, paragliding on the land and sea. ऑल एट द सेम टाइम. तो हमास ने ऐसा अटैक किया था कि तीनों तरफ से, हवे से, लैंड से, पानी से, तीनों तरफ से एक साथ अटैक किया था. तो ये उन लोग का कोऑर्डिनेशन दिखाता है. देर इज ऑल्सो डिस्कशन ऑन वेदर द मैसिव प्रोटेस्ट इन इसराइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू ओवरहॉलिंग द जुडिशियरी एंड द रिजल्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन नेतन्याहू एंड हिज मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लेड टू फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्या उसमें फेलियर भी हो रहा है? अब देखिए, अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात है. This episode will compel Israel to relook and at and re-strategize its policy pertaining to counter-terrorism, counter-intelligence, surveillance and collecting both signal intelligence, signet and human intelligence. हमने ये भी पढ़ा था intelligence दो type की होते, कि एक, अब चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें हमारे लिए exam point of view से क्या क्या important हो जाता है. हमने intelligence पढ़ा था, इंटेलिजेंस कितने पार्ट टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ह्यूमन यू इंट और एक होता है आपका टेक इंट, या ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमेज और एक होता है आपका कम्युनिकेशन. तो ये हमने पढ़ा था, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ये रिलायबल होता है. ठीक है, ये जो हो गया, हमने एक लोकेशन देख लिया हमने, ठीक है, हमने लोकेशन देख लिया, हमास को देख लिया हमने. यहाँ पे पढ़ा हमास क्या है, आपका एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका हुआ था 1987 में फाउंड हुआ था, ये गाजा स्ट्रिप और पेलेस्टीनियन का गवर्नमेंट अपने आप को कहता है, ये हो गया. थर्ड, क्या हमास इसराइल को पसंद करता है? नहीं, इसराइल उसके हिसाब से नहीं है और वो हेट करता है, उसको मैप से हटाना चाहता है, ये हमने देख लिया. फोर्थ, क्या है हमास टेररिस्ट है? तो हाँ, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और उनके एलाइज कहते हैं कि हमास टेररिस्ट है. और क्या इसराइल टेररिस्ट है? तो हाँ, पेलेस्टीनियन कहते हैं कि इसराइल का जो आर्मी आके यहाँ पे लूटपाट करता है, गलत चीज़ें करता है, तो इसराइल टेररिस्ट है. तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं. ठीक है, तो ये ट्रिगर क्यों हुआ वॉर? आप देखिए, फर्स्ट यहाँ पे हुआ क्योंकि आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट हुआ था कि जो पीस टॉक हो रहा था अरब और इसराइल में, जो पीस टॉक हो रहा था, तो यहाँ पे पेलेस्टीनियन को क्या हो गया, पेलेस्टीनियन को हो गया फोमो. उनको लगा अरे हम पीछे ना छूट जाए, तो उनको लगा जो हिस्टोरिकल वॉर है अरब वर्सेस इसराइल में, कहीं वो पेलेस्टीनियन वर्सेस इसराइल ना हो जाए, इसमें चेंज ना हो जाए कि अरब तो मिल गया उसके साथ, हम अकेले छूट जाएंगे, ये चीज़ होगी. अब सेकेंड रीजन देखिए क्या हो गया, गवर्नमेंट जो थे नेतन्याहू के, थोड़ा सा उन्होंने हार्ड स्टांस लिया था नेतन्याहू गवर्नमेंट ने, और हमेशा वेस्ट बैंक के ऊपर उनका मिलिट्री रेड्स चलता रहता था, और अलास्का मॉस्क से रिलेटेड उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने की हैं, तो वो उसका एक रिटेलिएशन कहते हैं. ठीक है, अब देखिए थर्ड, थर्ड इनके हिसाब से क्या है, थर्ड इनके अब यम किपुर वॉर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको रमजान वॉर भी बोला जाता है. 50 साल पहले हुआ था, उस समय ऊपर से देखिए, जैसे हमने देखा ये इसराइल है, यहाँ पे लेबनन है, यहाँ पे इजिप्ट है, उस समय सिनाई पेनिनसुला इसके पास था, तो यहाँ पे सब ने अटैक कर दिया इसराइल को दोनों तरफ से.
तो पीस ट्रीटी में सिनाई पेनिनसुला देना पड़ा किसको, आपके इजिप्ट को। तो ये इस समय की 73 की बात है। थर्ड देखिए, परसेप्शन यही पहले ही वाला है कि जो सऊदी अरेबिया प्लस इसराइल मिल रहे थे, तो यहाँ पे लगा कि फोमो होने लगा फिर से पैलेस्टीनियन को, अरे यार क्या हो रहा है, हम तो छूट जाएंगे, चलो लड़ाई कर लेते हैं। अब वो हमने पोक किया, वो लड़ाई करेगा, वो रिटेलिएट करेगा तो अरब्स को मारेगा, तो कहीं ना कहीं वो पीस ट्रीटी खराब हो सकती है। क्या ये इसराइल का फेलियर है? पहली चीज़, या तो इसराइल ने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया, दूसरी या तो उन्होंने जो आपके हमास थे, पैलेस्टीनियन थे, उनका ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं और उनकी ये सीख कह सकते हैं, उन्होंने पहले से सीख लिया इतना कुछ, तो ये दोनों में से एक चीज़ है। पर कुछ भी है, डेंट तो लगाई है इसराइल के रेप्यूटेशन के ऊपर। तो यही था इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए, और लोकेशन मैंने आप लोगों को सारी दिखा दी है यहाँ पर, और अभी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।